सुशांत अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुशांत अब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद 4 साल होने को है, पर आज तक ये मामला सॉल्व नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ बॉलीवुड, वही इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री के अंदर सुशांत काम करते थे, वो इंडस्ट्री भी सुशांत की सगी नहीं बन पाई। और 14 जून से पहले सुशांत के साथ क्या क्या हुआ, ये राज आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान का पत्ता क्या अब बिग बॉस से कटने वाला है, क्योंकि अब एक खबर निकल के आ रही है कि बिग बॉस के अंदर किसी और एंकर की एंट्री होने वाली है। वो कौन है बताएंगे आपको इस वीडियो में, पर उससे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हाल ही में कहा जा रहा है कि 4 साल पूरे हो जाएंगे बहुत जल्दी, सिर्फ 20 दिन के आसपास ही बचे हैं और इस पूरे मामले में 4 साल पूरे हो जाएंगे। सोचिए, वो इंसान जिस इंसान को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया के हर कोने तक इंसान जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कौन था, आज 4 साल पूरे होने को हैं पर उस इंसान को अभी तक न्याय नहीं मिला। जबकि उनके फैंस आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर न्याय मांगते हैं। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सामने रख चुके हैं, पर इस पूरे मामले में बड़ी बड़ी एजेंसीज जाँच करने आई थी, जहाँ पर CBI, NCB, ED जैसी एजेंसीज निकल के आती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जिस इंडस्ट्री के अंदर सुशांत काम कर रहे थे, वो इंडस्ट्री वालों ने सुशांत के लिए आज तक कुछ नहीं बोला, अपनी तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं रखा। बहुत ही चुनिंदा लोग थे जो सुशांत के लिए अपनी बात सामने रखने आए थे, और उनके अलावा इंडस्ट्री के बड़े एक्टर जो शायद बहुत सारे लोगों के फेवरेट हो सकते हैं, पर उनकी भी पिक्चरें फ्लॉप हो गई 2020 के बाद, सुशांत के जाने के बाद। आज कहा जाता है कि उनको भी सुशांत की याद नहीं आती है, और सुशांत को लेकर कोई भी बयान जारी उन्होंने ना पहले किया था ना अब किया है। पर अब कहा जा रहा है कि एक और खबर निकल के आ रही है, जिस खबर के अनुसार कि सुशांत की डेथ 14 जून को बताई जाती है, पर 14 जून से पहले 12 तारीख को सुशांत के साथ क्या हुआ था, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। क्या हुआ था, क्यों परेशान थे, वो बताते हैं आपको डिटेल में। यहाँ लिखा हुआ है कि 12 जून 2020 को क्यों परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत, मौत के 4 साल बाद सामने आई बड़ी सच्चाई। अब क्या है वो सच्चाई आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले और फैंस आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्टर की जो मौत है वो एक सिंपल केस है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने रणवीर अलवादिया को दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि सुशांत के साथ उनकी 12 जून 2020 को आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। श्वेता ने कहा 12 जून को सुशांत बहुत परेशान था, उसने फ़ोन पर ज़्यादा देर बात नहीं की, उसका ध्यान शायद कहीं और था, वह सही से बात भी नहीं कर रहा था। श्वेता ने कहा कि इस बातचीत के बाद मैं अपने भाई को लेकर बेचैन हो गई थी। श्वेता ने बताया कि भाई अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो उस प्रॉब्लम से परिवार वालों को दूर रखता था। वो कहा जा रहा है कि बाहर की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम से परिवार के अंदर नहीं आने देता था। 12 जून को भी वो कुछ परेशान सा था, वो इस परेशानी में फैमिली को बचाना चाहता था, वो हमेशा ऐसा ही करता था और ऐसा ही था वो। श्वेता ने बताया कि उसके सुशांत के साथ व्हाट्सएप पे बात हुई थी। श्वेता ने भाई को काम से ब्रेक लेकर कैलिफोर्निया आने के लिए कहा और अपने पास 1 महीने तक रहने को कहा। तब सुशांत ने जवाब में लिखा था, हाँ दीदी बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का। सुशांत की वो चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। श्वेता ने बताया था कि सुशांत की मौत से 4 दिन पहले ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके परिवार में कुछ सही नहीं चल रहा है। श्वेता ने बताया कि ऐसे में उन्हें अपने भाई को अपने पास कैलिफोर्निया आने के लिए कहा था। सुशांत भी अपनी बहन के पास जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उस समय अमेरिका वो नहीं जा पाए थे। अब कहा जा रहा है कि श्वेता ने आगे ये भी बताया था हाल ही में ही कि सुशांत सिंह राजपूत से जब उनकी बातचीत हुई थी आखिरी, तो कहीं ना कहीं वो खुद परेशान हो गई थी कि कोई तो राज है जो सुशांत छुपा रहे हैं या कोई ऐसी बात है जो सुशांत बता नहीं रहे हैं। और जिस प्रकार उन्होंने बताया है कि सुशांत हमेशा ये जो बाहर की प्रॉब्लम थी उन प्रॉब्लम से परिवार को दूर रखते थे, तो डेफिनेटली यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत इंसान थे। वो अपनी प्रॉब्लम से परिवार को दूर रखते थे, परिवार तक अपनी प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देते थे, तो इससे अच्छा इंसान आपको कहाँ देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार इंडस्ट्री के अंदर जब वो काम करते थे, MS धोनी फिल्म के बाद वो
कहा जा रहा है कि इतने फेमस हो गए थे कि लोग उनको पहले भी जानते थे पर बाद में और जानने लग गए थे। एम एस धोनी फिल्म आई, उनकी छिछोरे फिल्म निकल के आई, साथ में कहा जाता है कि उनकी जो लास्ट फिल्म थी उस फिल्म ने भी बहुत दिल जीता लोगों का, क्योंकि फिल्म का नाम ही दिल बेचारा था। और उस फिल्म के बाद कहा जा रहा है कि लोगों के आंसू आज तक नहीं रुके और आज भी लोग सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी इस पूरे मामले का कोई फाइनल निर्णय निकल के आएगा, फाइनल कंक्लूजन सामने आएगा, ताकि ये मामला पेंडिंग चल रहा है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि आज तक ये मामला सॉल्व नहीं हुआ है। और इसीलिए आज तक सुशांत के जो फैंस हैं वो लगातार सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं और इसीलिए उनके अपडेट के लिए वीडियो हम बनाते हैं, ताकि कोई ना कोई अपडेट निकल के आए और ये मामला अंत तक पहुँचे कि इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन सामने आए कि क्या हुआ था एक्चुअली में सुशांत के साथ, वो सब सामने आ जाए। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ सलमान खान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है कि सलमान खान का पत्ता क्या बिग बॉस से कटने वाला है। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, हाल ही में कहा जा रहा है कि एक प्रोमो निकल के आया है OTT बिग बॉस का और वहाँ पर कहा जा रहा है कि झक्कास वर्ड यूज़ हुआ है। और जैसे ही झक्कास वर्ड यूज़ हुआ है तो लोगों ने कहा ये झक्कास वर्ड इंडस्ट्री के अंदर कौन यूज़ करता है, तो सब जानते हैं वो है अनिल कपूर। अनिल कपूर हमेशा झक्कास, उनका एक डायलॉग है, उससे वो हमेशा बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे पहले भी और आज भी वो जाने जाते हैं। और जैसे ही OTT बिग बॉस के अंदर ये झक्कास वर्ड निकल के आया प्रोमो में, लोगों ने कहा सलमान का लगता है पत्ता कट गया OTT प्लेटफॉर्म से और अब एंट्री हो सकती है अनिल कपूर की। और इस डिसीजन के बाद क्या सलमान के फैंस का दिल टूटने वाला है? अभी कोई कंफर्मेशन निकल के नहीं आई है बिग बॉस OTT की ओर से, अभी सिर्फ लोग अनुमान लगा रहे हैं, अभी सिर्फ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है सलमान की जगह अब आने वाले हैं यहाँ पर अनिल कपूर। पर क्या वो आएंगे? अगर आएंगे तो क्या अनिल कपूर को बिग बॉस के अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा जनता के द्वारा? ये तो आने के बाद ही पता लगेगा कि सलमान खान ही वापस आएंगे या फिर अनिल कपूर लौट के आने वाले हैं एक नए अंदाज में, वो भी बिग बॉस OTT को कहा जा रहा है कि होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो जल्दी ही पता लगेगा जब OTT शुरू होगा बिग बॉस का और वहीं पर कहा जा रहा है कि सलमान का पत्ता कटेगा या सलमान ही वापसी करेंगे, ये भी सब कुछ तभी सामने आएगा जब ये बिग बॉस OTT शुरू होगा। तो आप अब क्या राय कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट से दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का, सागर भल्ला 18, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक का नया चैनल है सागर भल्ला और इंस्टाग्राम का है सागर भल्ला 18। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।